जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज हमारी वॉक कंप्लीट हो चुकी है और अब धूप निकल आई है। 7 बज गए तो आज 7 बजे काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। देखिए हमारी छत पे ये जो पास वालों का मकान है, इनका मकान ऊपर बन गया है, तो एक साइड की दीवार पूरी कवर हो गई है। बाकी अब 3 साइड की दीवारें ओपन है। ये दीवार कवर होने से बहुत अच्छा लगने लगा है, ऐसा लगने लगा है कि पैक सा हो गया एक साइड से। नन्ना चलो। और ये हमारी नन्ना सुबह सुबह इसे ऊपर आके बहुत मस्ती करनी होती है। अभी अपने पूंछ के पीछे पड़ गई है। इसको पता है कि पूंछ इसके मुंह में नहीं आनी है, लेकिन फिर भी इसको पूंछ के पीछे पड़ना है। नन्ना चलो, नन्ना चले, चलो चलो नीचे, चलो 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 चलो। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं अपने डेली रूटीन के काम। आज फिर से चिमनी का नंबर लग गया। चलिए चिमनी की प्लेट साफ करते हैं। इनको क्लीन करने में बड़ी आफत लगती है, बट हाँ जल्दी जल्दी क्लीन कर लो तो हो जाती है। बहुत दिन लगी रहे तो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। फ्रेंड्स ये मेरी चिमनी की प्लेटें धुल के सूख चुकी हैं। और अब आज गप्पू भैया का मन है कटलेट खाने का, तो आज मैं बना रही हूँ कटलेट। इसमें मैंने मिलाया है बॉइल्ड आलू, भीगा हुआ पोहा, मूंगफली दाने और बाकी के सारे मसाले। तो चलिए, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिलाया है बाइंडिंग के लिए। तो चलिए अब आज हम बनाते हैं आलू पोहे की कटलेट। कटलेट मैं आइसक्रीम की डंडियों पे बनाऊंगी। इसे बच्चे सिंक कबाब बोलते हैं, बट मैं कटलेट ही बोलती हूँ। बच्चों ने इसे सिंक कबाब का नाम दे रखा है। चलिए हमारे कटलेट विद सिंक कबाब रेडी हैं और अब हम ये देते हैं गप्पू भैया को। गप्पू भैया खाना स्टार्ट करेंगे और अब गप्पू भैया टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने, क्योंकि आजकल गप्पू भैया को ऐसा लगता है कि गोलू कुकी आती है तो ही मम्मी खाना अच्छा बनाती है, मेरे लिए तो मम्मी कुछ बनाती ही नहीं है। ये ऐसा इनका कहना है कि मेरे लिए मम्मी कुछ अच्छा नहीं बनाती, जब गोलू दीदी कुकी दीदी आती है तभी मम्मी खाना अच्छा बनाती है। अब ये टेस्ट करके बताएंगे कि बस इसमें फटाफट से सॉस डालती हूँ तो ये एक और प्लेट कटलेट की तैयार। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ किस किस के मुँह में पानी आया कटलेट खाने का, किसका मन कर रहा है और किस किस को कटलेट अच्छे लगते हैं आलू और पोहे की कटलेट। क्योंकि कटलेट सभी लोग बनाते हैं अपने घर में, बट अलग अलग वैरायटी के बनाते हैं। कौन किस तरीके से कटलेट बनाता है मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए फ्रेंड्स अब वक्त हो चुका है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में गढ़मुक्तेश्वर मंदिर का। गढ़मुक्तेश्वर के बारे में कहा जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी से यहाँ पर मंदिर की स्थापना करवाई थी। और इस जगह को पहले बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता था। एक बार कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा इस मंदिर में तपस्या कर रहे थे और भगवान भोलेनाथ के जो गण थे वो घूमते घूमते वहाँ पर ऋषि दुर्वासा जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ उनके सामने से निकले और उन्होंने ऋषि दुर्वासा का मजाक बनाया, अट्टहास करने लगे उनके लिए, उन्हें देखकर हंसने लगे और इससे ऋषि दुर्वासा का जो ध्यान था वो भंग हो गया और ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में भगवान भोलेनाथ के गणों को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। तब से भगवान भोलेनाथ के गण वहाँ पर पिशाच बन गए। फिर उन्होंने मुक्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की, उनके पैरों में गिर गए। तब ऋषि दुर्वासा ने बोला कि तुम्हें भगवान भोलेनाथ ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो फिर जो वो गण जो पिशाच बन गए थे भोलेनाथ के गण, उन्होंने बल्लभगढ़ में जाकर के जहाँ मंदिर परशुराम जी ने बनाया था उस मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ का तप किया। 1 महीने तक उन्होंने लगातार बहुत कठिन तप किया, तो उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उन्हें फिर से गण बनने का वरदान दिया। पिशाच जो उन्हें दुर्वासा ने बना दिया था ऋषि दुर्वासा ने, उन्हें उन्होंने श्राप से मुक्ति दिलवाई भगवान भोलेनाथ ने। और तब ये गण अपने
वापस से गण के रूप में वापस आया, पिशाच रूप से इनको मुक्ति मिली और ये वापस से गण बन गए। तो तभी से उस मंदिर का नाम गण मुक्तेश्वर हो गया, क्योंकि भोलेनाथ ने अपने गणों को मुक्त किया था पिशाच योनि से, जो कि श्राप के कारण पिशाच बन गए थे। तो गणों को मुक्त करने की वजह से इस जगह का नाम गण मुक्तेश्वर बना। और कहा जाता है कि उस जगह पर जाने के बाद एक अलौकिक शांति मिलती है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, और बहुत ही वहाँ के आसपास के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो देखने लायक हैं। और अभी जैसा कि आप सबको पता है गर्मी की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। अगर आप लोगों का यूपी की तरफ जाना हो तो गण मुक्तेश्वर ज़रूर होके आएँ। उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई, जैसे पहले कहा जाता था कि किसी को श्राप मिला है, किसी को वरदान मिला है, तो अगर भोलेनाथ ने अपने गणों को श्राप से मुक्ति वहाँ पर दी थी, तो इंसानों को भी, अगर यदि इंसानों से कोई भी गलती होती है, कोई भी भूल चूक होती है और वो वहाँ जाकर के उसका प्रायश्चित करें और अब माफ़ी मांगे, तो भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप से उनको माफ़ी मिलती है और सभी प्रकार के दोषों से वहाँ पर जाके मुक्ति मिलती है, इसलिए उसका नाम गण मुक्तेश्वर है। तो कभी भी अगर उधर जाना हो उत्तर प्रदेश की तरफ, तो हापुड़ ज़िले के गण मुक्तेश्वर में ज़रूर होके आएँ और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे कल फिर से नई सुबह में नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।